हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार में। आज का जो टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। हम देखेंगे कि आज हम इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड कैसे अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन कौन से वेबसाइट से अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा इसके बारे में कि इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के बाद इसका स्टेटस कैसे चेक करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो मैं आपको स्क्रीन पे इधर मैं दिखा दूंगा, आपको दिख जाएगा लिस्ट में पूरी दिखा दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इसके लिए, आईसी कोड अप्लाई करने के लिए। और आईसी कोड का आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और आईसी कोड होता क्या है। आईसी कोड जो होता है वो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड है। कुछ भी आप इंटरनेशनल ओवरसीज में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है वो है आईसी कोड। और आईसी कोड की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है, आपको बस एक बार अप्लाई करना होता है, उसके बाद उसका और कोई एक्सपायरी नहीं होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है, एक बार ही अप्लाई करना होता है। मैं आपको इसमें यही बताऊंगा कि गवर्नमेंट फीस क्या होती है और जब आप बाहर से उसको अप्लाई करवाते हैं किसी सीएचएस या फॉरवर्डर से तो वो आपसे 1500-2000-3000 रुपए किस बात के लेता है, जबकि उसकी जो सरकारी फीस होती है वो होती है सिर्फ 500 रुपीज जो आपको ऑनलाइन पे करनी है। तो जो 1500 बंदा ले रहा है या 2000 रुपए ले रहा है, 3000 रुपए ले रहा है, वो ले किस चीज़ का रहा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। मैं आपको जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको स्टेटस कैसे चेक करना है इस गेट पे, और उसके बाद मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा जो आपको बहुत ही सारा टाइम आपका सेव करेगा। ये बहुत सारा टाइम सेव करेगा, बहुत सारे एफर्ट सेव करेगा, बहुत सारा आपका स्ट्रेस बचाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को पता नहीं है। आईसी कोड अप्लाई करने के बाद इस चीज को क्रॉस चेक करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपको कोई और पार्ट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की चीज में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस चीज को क्रॉस चेक कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि इस चीज़ को करते कैसे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे अपलोड करने हैं और कौन से कॉलम्स में क्या फीड करना है। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वही है, सबसे पहले आपको अपना क्रोम खोलना है। क्रोम में जाके आपको टाइप करना, आपको नया टैब या जो भी है आपको खोल के वहाँ टाइप करना है आपको DGFT। सबसे पहले वाले लिंक को ओपन करना है आपको। ये खुलने के बाद आपको होम पेज खुल जाएगा। यहाँ नोटिस आता है जनरली जो भी नया अपडेशन होता है इनका DGFT में। सो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपके नॉलेज बढ़ेगा ही। जैसे कि थर्ड वाला देखिए, RCMC के रिगार्डिंग है तो एक्सपोर्टर्स के लिए काम आएगा काफ़ी। तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप काट देंगे। इसको काटने के बाद आपको जाना है सर्विसेज के कॉलम में, फिर जाना है आपको IC। फिर ऑनलाइन IC एप्लीकेशन में पहला वाला, सबसे पहला कॉलम है आपका पैन का। आपको अपना पैन नंबर डालना है, जो भी अगर आपका पर्सनल है, प्रोप्राइटरशिप है तो पर्सनल पैन, नहीं तो कंपनी का पैन, जो भी है आपको वहाँ पैन नंबर डालना है। और एज़ पर न्यू रूल जो भी आपका पैन नंबर होता है ना वही IC नंबर बनता है लास्ट में, जब आपका सब कुछ सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। पहले क्या होता था, पहले IC नंबर अलग होता था, पैन नंबर अलग होता था। तो अब जो आप पैन से अप्लाई करेंगे वही पैन नंबर ही आपका IC होता है, IC नंबर होता है। सो पैन नंबर डालना है, नेम डालना है, जो भी आपका कंपनी का नाम है या बंदे का नाम है जिसके नाम पे आप अप्लाई कर रहे हैं IC कोड, और डेट ऑफ बर्थ डालना है। कंपनी के केस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालना है, नॉन डेट ऑफ बर्थ डालना है, और कैप्चा डालना है। देखिए आ गया, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये वेरीफाई हो गया है आपका पैन, और आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें डालनी है, मैंने ऑलरेडी पहले अप्लाई करा हुआ था तो ऑलरेडी मेरा सेव्ड है। आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है और अपना ईमेल आईडी डालना है जिसपे कि OTP आएगा। और ये देखिए ऐसा ही होता है कि अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा और इनकेस आपने कभी बीच में छोड़ दिया इसको तो ये वहीं सेव्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपने बीच में कभी आपका नेटवर्क चला गया या लाइट चली गई या नेट चला गया, कोई प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण आपने इसको वेट कर दिया तो वो सेव नहीं होगा, वो जहाँ पे आप छोड़ेंगे वो सेव्ड रहेगा। दोबारा बस आपको कैप्चा वगैरह डालना होता है और वो फिर आपको लॉगिन हो जाता है। सो ये मोबाइल वाला आपको OTP डालना है और ईमेल वाला, दो OTP होगा। ये खुल गया आपका पेज। आप देखिए इन्होंने ऑलरेडी जो होम पेज है आपका उसी पे ही पहले पेज पे ही सारे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। IC कोड अप्लाई करने में बहुत ही इजी है। तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लेना,
आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने कि कौन से केस में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्टेप वन में क्या भरना है, स्टेप टू में क्या भरना है, स्टेप थ्री में क्या भरना है, बाकी तो मैं इस वीडियो में आपको बता ही रहा हूँ, बाकी आप चाहे तो एक बार यहाँ पढ़ भी लेना। अब जाएंगे सबसे पहले पे आपका एंटिटी नेम, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आपका प्रोप्राइटर का नाम, या आपका फर्म का नाम, कंपनी है तो कंपनी का नाम, एड्रेस डालना है आपको, ये सारे कॉलम एज इट इज़ आप मुझे बताइए कि आप अगर खुद अप्लाई कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि आप इजीली भर लेंगे सारी चीज़ें। एंटिटी नेम वगैरह डालना है, एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, पैन नंबर वगैरह डालना है पहले वाले कॉलम्स में सारे। तो मैं अपना एड्रेस, मैं अपनी ऑफिस का एड्रेस डाल रहा हूँ एज इट, मैं एज अ यू नो बस ऐसे आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, मैं अप्लाई नहीं करने वाला, मैं बस डाल के बता रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए। यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर का ऑप्शन होगा, फ़ोन नंबर के आगे आपको 91 डालना है, प्लस 91 नहीं डालना, कंट्री कोड डालना है, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालना है। इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपका पैन नंबर, क्योंकि पैन नंबर ही है जो जिसके ऊपर आपका सारा ये आईसी कोड बेस्ड है। आईसी कोड नंबर जो है वो भी पैन नंबर ही होता है आपका, लास्ट तक जो आईसी कोड नंबर आएगा वो आपका पैन नंबर ही होगा। सो पैन नंबर जो है इस पूरे सिनेरियो में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको आपको सेव कर देना है, ये देखिए आपका आगे यहाँ पे लिखा हुआ कि ये जो है डॉक्यूमेंट आपका सेव हो गया है। अब आपको नेक्स्ट वाले स्टेप पे जाना है जो कि है ब्रांच डिटेल। ब्रांच डिटेल में आते हैं, ब्रांच डिटेल में देखिए देखिए आपका दिया हुआ है ऑलरेडी, जो ब्रांच नंबर है वो 0 है, जो आपका एड्रेस सेव्ड है। अब इसके आगे कोई भी आपको डालना है ब्रांच तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। देखिए ब्रांच आपका ऐड हो गया है, और अगर आपका कोई ब्रांच नहीं है तो आपको एज इट इज़ जो अपना पुराना वाला एड्रेस था ना उसी को डालना है, वही आपका जो 0 ब्रांच नंबर 0 है उसमें आ जाएगा। अगला स्टेप है डायरेक्टर्स का एड्रेस, डायरेक्टर की डिटेल्स डालनी है आपको, जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं। ये इस पॉइंट पे आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, आपको डायरेक्टर का आधार कार्ड का नंबर डालना है इस वाले कॉलम में। ये सेव क्लिक करने के बाद आपका ये एप्लीकेशन, ये डिटेल सारा सेव हो गया है, यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ गया। अब अपने को जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, अगला वाला। आपके यहाँ मल्टीपल डायरेक्टर्स होंगे तो आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मल्टीपल डायरेक्टर्स है तो, अभी तो मैं नहीं करूँगा खैर मल्टीपल डायरेक्टर ऐड।
तो हम अब यहाँ पे जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, जब हमारा ये डायरेक्टर का डिटेल अपलोड करना ख़त्म हो जाएगा। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में देखिए, यहाँ पे सारा डिटेल आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी कौन सी होगी, डॉक्यूमेंट्स का टाइप क्या होगा। तो हम यहाँ एक बार यहाँ पढ़ लेना चाहो तो, बाकी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा लिखा हुआ है दूसरी साइड में, ग्रीन कलर वाली साइड में, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लूँगा कि एड्रेस प्रूफ में एड्रेस प्रूफ डालना है, और अपना एड्रेस प्रूफ का जो फॉर्मेट होगा वो कौन सा होगा, डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो फॉर्मेट है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा पीडीएफ सेलेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल चूज़ करूँगा। मैं रैंडम कोई भी फ़ाइल चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपलोड नहीं करना है। सो मैं एक पीडीएफ फ़ाइल ले लेता हूँ कोई भी। यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। अब देखिए अपलोड के बाद लिखा हुआ आ गया, योर फाइल हैज़ बिन अपलोडेड, और नीचे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको कौन सा वाला अपलोड करना है, मतलब क्या क्या आप अपलोड कर सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में क्या क्या कर सकते हैं, और अदर अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो क्या करना है, और आपका कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है तो क्या करना है। सो आप इसको पढ़ लेना, इसको आपको पूरा पूरा आइडिया हो जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब हम जाएंगे पेमेंट गेटवे में। देखिए पेमेंट गेटवे में यहाँ पे भी आपको जो जो आपने डिटेल भरी है ना, मेन जो आपने एंटिटी डिटेल भरी है वो यहाँ पे सारा आ जाएगा आपका। सो आप यहाँ पे एक बारी क्रॉस चेक कर लेना, और यहाँ पे आपको नीचे फ़ीस दिख जाएगी कि 500 रुपीज़ की फ़ीस है। सो ये सबमिट कर देना है अपने को एक बारी पढ़ के। इसको सबमिट करने के बाद ये आपका आ गया सारा डिटेल। अब जो है ये आपको गेटवे पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा, एग्जैक्ट पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पे आपको एज ए सेम वही वाला फॉर्म अपीयरेंस मिलेगा जो आपको यू नो अमेज़ॉन में आप जब करते हैं पेमेंट तो जो कार्ड डिटेल एंटर करने का आता है एज इट इज़ सेम है। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से आपको या तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है, इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करना है। 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पे भी अलग से लिखी हुई है। सो मैं यहाँ करूँगा नहीं क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं, मैं पेमेंट नहीं करना मेरे को। तो फिर आपका एक बार ही पेमेंट हो जाएगा ना, तो आपको वेरीफाई पेमेंट में जाना है। वेरीफाई पेमेंट में जाके आपका जो चालान नंबर जनरेट होगा उसको वेरीफाई कर देना है आपको एक बार ही, मैं नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे जो है आपका प्रिंट कर सकते हैं, आपने जो चेकलिस्ट पूरी क्रिएट करी है वो उसको आप यहाँ पे फाइनल एक बार ही देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम लगती है तो आप यहाँ से दोबारा जाके पीछे एडिट कर सकते हैं उसको। सो मैं इसको एक बार ही सेव कर लूँगा, आप सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं जो मर्ज़ी। और ये होने के बाद आपको बस अब नेक्स्ट स्टेप है, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट मेरा होगा नहीं क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया है। अब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सारी चेकलिस्ट दिखा के वो आपको सबमिट के लिए बोल देगा। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आईसी कोड कैसे अप्लाई करते हैं। सारा मैंने बता दिया, हम लोग सारी सीक्रेट बता दी, हम लोग इसी तरीके से अप्लाई करते हैं, सारे सीए वगैरह जो है इसी तरीके से अप्लाई करते हैं। तो आप खुद अप्लाई कर ही सकते हैं, 500 रुपये की फीस लगती है। इसी तरीके से सारा एप्लीकेशन होता है, बहुत ईजी है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हफ्ते भर में आपकी आईसी आपके हाथ में आ जाती है और चेकलिस्ट ऑन स्पॉट आपको मिल जाती है। सो इसी तरीके से अप्लाई करना होता है आईसी, और वन टाइम एप्लीकेशन होता है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। इसके बाद आप कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। उस चीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है वो आईसी कोड ही होता है, बाकी जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है वो तो है ही है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आया है ना पूरे वीडियो में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी पर्सनल आईडी तो रहती है हमेशा की तरह। कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कोई बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप उसमें मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कोई भी क्वेरी रहे तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उसको सॉल्व करने की। अगर आपको अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना दूसरे इंपोर्टर्स के साथ या दूसरे एक्सपोर्टर्स के साथ या जिसको भी आईसी कोड की जरूरत है उसके साथ। तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट करके मेरे को ये बताना कि आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं फ्यूचर में, क्योंकि मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके की वीडियोज बनाऊं। तो आप मेरे को बता देना कि आप डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस देखना चाहते हैं, किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं वो देखना चाह रहे हैं, क्या इम्पोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप नीचे मेरे को कमेंट कर देंगे तो मेरे को ईजी रहेगा कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आईसी एप्लीकेशन का, कि अब जब आप बाहर से अप्लाई करते हैं तो वो इतने ज़्यादा पैसे क्यों लेते हैं, 2-3 हज़ार रुपये इससे लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आईसी अप्लाई करने के बाद
कई सारी प्रॉब्लम होती है उसको लिंक करने में आईजी गेट के साथ, डीजीएफटी के साथ। तो आईजी गेट का स्टेटस चेक करने का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका आईसी कोड का स्टेटस कैसे चेक करते हैं आईजी गेट में, कि अप्लाई जब आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आप एक बार आईजी गेट में उसको चेक कर सकते हैं। और ये भी चेक कर सकते हैं, एक दूसरा कॉलम होता है जो किसी को पता नहीं होता कि वो लिंक है कि नहीं है आईसी गेट के साथ। स्टेटस तो आपको पता लग जाए कि हाँ भाई नॉर्मल है, बट कभी कभी क्या होता है ना वो लिंक नहीं होता, एक्सपोर्ट के टाइम पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। वो वीडियो मैंने यू नो ब्रीफ में मैंने डिस्कस किया है मेरे दूसरे वीडियो में, मैं आई कार्ड में दे दूंगा वो, आप एक बार उसको जरूर चेक करना। आप अगर आपका नया नया आईसी कोड है या नया नया आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो सबसे मैंडेटरी आपके लिए वीडियो है, बहुत आपका टाइम सेव करेगा, स्ट्रेस सेव करेगा, पैसा सेव करेगा, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। सो थैंक यू सो मच, मेरा नाम है दीपांकर और आपने देखा ग्लोबल व्यापार का वीडियो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कैसे आईसी कोड अप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग।